हेलो, वेलकम। कैसे हैं आप? आई विश कि आप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो प्लीज़ एक स्माइल कीजिए ना। ओके, थैंक यू। तो अब आपको मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो 1.3 एक्सरसाइज से फ्रीक्वेंटली एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 इज इरेशनल नंबर। इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन, एक छोटी सी ट्रिक, आप सारे क्वेश्चन को सेम पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस बता दूं कि पिछले क्लास में हमने 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 एक्सरसाइज पार्ट 4 वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है, और जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में है उसमें हमने यूक्लिड एल्गोरिदम, एचसीएफ एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब पूरी कॉन्सेप्ट जो भी 1.1, 1.2 के लिए रिक्वायर्ड था उतना हमने कवर किया है। पार्ट 1 वीडियो में बेसिक्स पूरे कवर किए हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कि कैसे हम प्रूफ करेंगे रूट यानी इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, प्रूव दैट रूट अंडर 2 इज इरेशनल नंबर। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम जनरली दो टाइप से सॉल्व करते हैं। एक तो डिवीजन करके सॉल्व करते हैं कि रूट अंडर 2 को आप स्क्वायर रूट, जैसा बचपन में फाइंड करते थे 2 का स्क्वायर रूट, उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पर आपके सिलेबस में जो है वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स कि पहले आप चीज़ों को कुछ और कंसिडर करेंगे, बाद में लॉजिक के थ्रू आप बताएंगे कि जो हमने माना वो गलत है। इस टाइप से आप उसका कॉन्ट्राडिक्शन देंगे और देन आप प्रूफ कर पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ ये क्वेश्चन, फिर आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले रूट 2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो आप इसके ऑपोजिट कंसिडर करो। जैसे मैं कंसिडर करूंगा लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर, और आगे जाके मैं कुछ प्रूफ दे करके आपको बता दूंगा कि ये रैशनल नहीं है, हमारा एजम्पशन गलत है, रूट 2 इज इरेशनल है। इसी मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर, मान लिया हमने कि रूट 2 इज रैशनल नंबर। आप ध्यान से देखो, जब भी आपको इरेशनल प्रूफ करने को आए आपको यही करना है, मान लेना है कि लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर। अब ये बात सभी बच्चों को पता है कि अगर रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो जब रैशनल है तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि ये पी वाई क्यू के बराबर होगा। बिल्कुल बोल सकते हैं, पी वाई क्यू के इक्वल होगा। पर एक बात बताओ, मे बी पी और क्यू कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो कैंसिल आउट होने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा। ये चीज आप समझ रहे हो, पी और क्यू, ये भी तो हो सकता है कि 15 अपॉन 12 या 20 अपॉन 15, लाइक कुछ इस टाइप का हो जिसमें कैंसिलेशन बाकी हो। तो कैंसिल आउट होने के बाद का हम लिखेंगे, तो मैं यहां पे बोल देता हूं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, कह लो सिंप्लीफिकेशन, रूट अंडर 2 इज इक्वल टू a/b। पी अपॉन क्यू कन्वर्ट हो करके फुल सिंप्लीफाई हमने कर दिया, अब और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि वो अब सिंप्लीफाइड है। तो अब क्या हो गया, पी अपॉन क्यू को a/b लिख लिया, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। a और b जो है वो क्या है बेटा, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ए और बी को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, अब ये और सिंप्लीफाई नहीं होंगे। ए और बी को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, अब ये और सिंप्लीफाई नहीं होने वाले, मतलब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा। जैसे आप 5 और 4 को देखो, सिंप्लीफाई होने के बाद इनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा,
और कुछ तो आ ही नहीं सकता। तो हमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि इसका कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता है। अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा। तो देखते हैं आगे, यहाँ तक आपको समझ आया? आपको मान लेना है कि रूट टू इज रैशनल नंबर। इफ रूट टू इज रैशनल तो हम उसको पी वाई क्यू के इक्वल लिख सकते हैं। फिर हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी हो गया। इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ बी को रूट टू से, तो रूट अंडर टू इंटू बी इक्वल टू हो गया ए। इसके बाद कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? देखो, रूट अंडर टू बी का आप स्क्वायर करोगे और ए दोनों तरफ स्क्वायर होंगे। सो रूट अंडर टू बी का स्क्वायर आप कर रहे हो, तो रूट अंडर टू का अगर आपने स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा? टू। पर बी का स्क्वायर होगा तो टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। अब एक चीज देखो, यहां से अगर मैं इस 2 को इस तरफ लाता हूं a के इधर, तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? ए स्क्वायर अपॉन 2। अब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 a को भी डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर समझो 4 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, 2 से 4 के स्क्वायर को अगर डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, तो 4 भी तो 2 से डिवाइड हो सकता है ना। तो इसलिए मैं यहां पे बोलूंगा 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 विल डिवाइड ए आल्सो। अब अगर 2 ए को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ कोसेंट मिलने वाले हैं आपको। 2 अगर a को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ आपको कोसेंट मिलेगा। मान लेते हैं कि डिवीजन के बाद c आपको कोसेंट मिल गया है। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अगेन, तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 2c। अब अगर मैंने फिर से स्क्वायर किया बोथ साइड तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया है। बस थोड़ा सा 2 सेकेंड और रहा है, बस 2 स्टेप और। एक फैक्टर हमने निकाल लिया है ए का, एक और फैक्टर आपको दिखाना है। अब यहां के बाद आप देखो जरा सा इसको, कि ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर यहाँ आया, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर यहाँ आया, तो दोनों तो ए स्क्वायर की ही वैल्यू है, दोनों ए स्क्वायर की ही वैल्यू है। तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ? तो मैं इक्वेट कर दूंगा यहाँ पे, इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4c स्क्वायर। देखो ना, ए स्क्वायर की दोनों वैल्यू है ना, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे। अब इस 2 से इस 4 को कैंसिल आउट कर लो, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। इस 2 को 2 राइट में मल्टीप्लाई है, मैं अगर लेफ्ट में लेके आऊं तो डिवाइड में आ जाएगा। तो अब 2 क्या कर रहा है? b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो फिर से ये वाला स्टेप रिपीट करेंगे कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर इट विल डिवाइड b आल्सो। अब 2 जब b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। यही बात हो गई ना गलत, कि 2 पहले हमने यहां पे क्या बोला था कि a और b का कोई फैक्टर नहीं है, को प्राइम मतलब 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, पर यहां तो ये 2 निकल गया ना, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और यहां पे b को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तो कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, बोथ एंड बी, पर
पहले तो हमने क्या कहा था कि बोथ एंड भी डिवाइड कर रहा है, पर पहले हमने क्या कहा था कि डिवाइड नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डिवाइड्स बोथ ए एंड बी विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए कॉमा बी आर को प्राइम, कि कोई फैक्टर नहीं है इस बात को इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। एंड कैस क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आया, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारा रॉन्ग एजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। हमने ये जो रैशनल मान लिया ना, ये रॉन्ग एजम्पशन था, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो अब हम बोलेंगे देयर फोर रूट टू इज नॉट रैशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूफ्ड। यही आपको प्रूफ करना था। एक बार मैं आपको क्विक रिव्यू देता हूं और देन फिर इसी को मैं एडिट करूंगा, आप देखना सारी चीजें सेम रहने वाली है, सिर्फ हम नंबर चेंज करेंगे। तो अगर आपने एक को ध्यान से समझ लिया तो कोई भी वैल्यू आने दो, फिर आप आराम से कर सकते हो, है ना, फिर तो आप आराम से कर सकते हो। तो प्रूव दैट रूट टू इरेशनल था, तो हमें इरेशनल प्रूव करना था कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो सबसे पहले क्या किया हमने, उसको मान लिया इट इज रैशनल नंबर। अब रूट टू अगर रैशनल है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू को हमने सिंप्लीफाई किया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सो रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी। अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए हमने लिखा कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। तो रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी था, बी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए के पास, तो रूट टू बी इक्वल टू ए। अब हमें रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आपने सिंप्लीफाई किया तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर अपॉन टू। ये जो टू यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड आया तो डिवाइड में जाएगा। अब दिख रहा है हमें कि ये जो टू है ये डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो इसका मतलब ये ए को भी डिवाइड करेगा। तो a को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई कोसेंट आएगा, तो लेट सपोज कि वो कोसेंट c आया, आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, आपके ऊपर है। तो a इक्वल टू फिर ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2c, अगेन हमने स्क्वायर किया बोथ साइड, तो a स्क्वायर इक्वल टू 2 जा 4 और c स्क्वायर तो 4c स्क्वायर। अब मुझे दिखा कि a स्क्वायर की तो दो वैल्यू है हमारे पास, एक है 2b स्क्वायर और एक है 4c स्क्वायर, तो हमने क्या किया a की वैल्यू को इक्वेट कर दिया, तो इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो यहां से मुझे मिल गया बी स्क्वायर अपॉन टू। तो अब मैं बोला कि जब बी स्क्वायर को टू डिवाइड कर रहा है तो ये जरूर ही मतलब टू को भी, टू बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी डिवाइड करेगा, तो टू डिवाइड्स बी स्क्वायर तो इट विल डिवाइड बी ऑल्सो, इसी चीज को लिख दिया। पर यहाँ पे हमने देखा कि 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, पर यहाँ तो हमने कहा था कि ए और बी का कोई फैक्टर होगा ही नहीं, तो 2 कहाँ से आ गया, तो 2 इसलिए आ गया क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। तो हमने जो बोला वो बात गलत है, आप करेक्ट कर लो उसको, वो क्या है कि इट इज़ नॉट रैशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर, यही प्रूफ करना था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलो अब मैं आपको बदल के दिखाता हूँ, रूट टू को मैंने कर दिया रूट फाइव, अब मैं आपको दिखाता हूँ हर जगह मैं रूट फाइव कर रहा हूँ, आप देखना, सिर्फ नंबर बदलेंगे बेटा और कुछ भी नहीं बदलेगा। देखना आप ध्यान से, रूट टू को मैं करने जा रहा हूँ रूट फाइव, एक अगर आपको ध्यान है तो आप आराम से कर दोगे साढ़े, ये देखो सिर्फ रूट फाइव, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा ये फाइव बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ आ जाएगा फाइव, हर जगह चेंज कर लो आप, फाइव
ठीक है, ए ए बाय फाइव इक्वल टू सी, ए इक्वल टू फाइव सी, तो ये हो जाएगा कितना, फाइव बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, फाइव से कैंसिल आउट करोगे फाइव सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू फाइव सी स्क्वायर, फाइव, सो फाइव डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो फाइव डिवाइड्स बोथ, देयर फॉर रूट फाइव। देखो प्रूफ कर दिया हमने रूट फाइव। सिमिलरली आप रूट सेवन, रूट इलेवन, जो भी वैल्यू आएगा आप आराम से कर सकते हो। और बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर देखोगे तो प्रूफ वाले क्वेश्चन तो भी मतलब बहुत बार पूछे गए हैं। क्लियर है आपको इतना? ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 में एक रूट फाइव का क्वेश्चन था, तो मैंने रूट टू कराया आपको, उसकी हेल्प से रूट फाइव। तो 1.3 का एक क्वेश्चन आप कह सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन रूट अंडर फाइव जो था वो आपका प्रूफ हो गया है। क्लियर हो गया, आ गया आपको समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं कि कौन सा है। एक और टाइप जो आ सकता है आपको, वो कुछ इस टाइप का, जैसे 1.3 का ही सेकेंड क्वेश्चन है, वो क्या है, 3 प्लस 2 रूट अंडर 5, प्रूफ दिस इज इरेशनल। इसमें आपको इतना काम नहीं करना है, इसमें इतना काम नहीं करना है। रूट फाइव के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है, रूट फाइव के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि जो रूट फाइव है वो क्या है, इरेशनल। तो इसमें आप जस्ट सेपरेट आउट करो कि रैशनल को एक तरफ करो, इरेशनल को दूसरी तरफ करो। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां भी हम कि लेट 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर आपने मान लिया, तो अब आपको क्या करना है, 3 प्लस 2 रूट 5 को पी बाई क्यू के बराबर करना है। फिर से आप क्या कह सकते हो, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ए अपॉन बी, या फिर ऐसा भी रखेंगे तो चलेगा, या आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लिख दो, थोड़ा अच्छा रहेगा रिप्रेजेंटेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। अब आप देखो ये 3 आपका रैशनल है, और RHS में जो टर्म है वो भी क्या है, आपके रैशनल है। तो आप 3 को RHS में शिफ्ट कर दो, तो 3 प्लस है, अगर RHS में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो 2 रूट अंडर 5 इक्वल टू ए बाय बी माइनस 3, हमने कर दिया 3 को शिफ्ट। अब RHS पूरा रैशनल है, ध्यान से आप देखेंगे तो RHS पूरा रैशनल है, LHS में ये 2 रैशनल है, तो इस 2 को भी रैशनल के साइड भेजना है, मतलब आपको RHS भेजना पड़ेगा। तो 2 को आप देखो ना जरा कि 2 मल्टीप्लाई है, अगर RHS में मैं भेजूंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा ना, तो 1/2 ए बाय बी माइनस 3 तो था ही, ये 1/2 आ गया, यानी डिवाइड हो गया 2 इधर आके। इसको कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों चलता है। तो अब आप देखो कि RHS आपका पूरा का पूरा रैशनल है, पर LHS तो आपका इरेशनल है, तो क्या करेंगे अब, तो अब यहां पे आप लिख सकते हो सिंपल कि RHS इज रैशनल, और रैशनल के बराबर जो है वो रैशनल होना चाहिए, सो LHS विल ऑल्सो बी रैशनल, LHS विल ऑल्सो बी रैशनल, बट LHS रैशनल हो सकता है, बट रूट फाइव इज इरेशनल, क्योंकि सबको पता है रूट फाइव इरेशनल, हमने प्रूफ भी किया है। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट LHS विल रैशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है रूट फाइव की वजह से कि LHS रैशनल होगा, तो LHS रैशनल होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि हेंस आवर
एजम्पशन इज फॉल्स। तो हमारा एजम्पशन जो ये हमने रैशनल मांगा मान लिया था ये फॉल्स है, तो करेक्ट करेक्ट क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि देयर फोर थ्री प्लस टू रूट अंडर फाइव इज इरेशनल। इरेशनल पहले हमने रैशनल माना, फिर हमने लॉजिक दिया और तब बता दिया कि हमारा एजम्पशन गलत था, ये एक्चुअल में इरेशनल है। क्लियर है आपको? तो वो थ्री नंबर क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप बाकी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई विश कि आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड का अगर आप फर्स्ट देखेंगे तो कुछ नहीं है, वन बाय रूट अंडर टू है, इक्वल टू पी बाय क्यू लिखना, उल्टा कर देना, रूट अंडर टू इक्वल टू क्यू बाय पी कर लेना और फिर से यही स्टेटमेंट LHS और RHS वाला ये लिख देना नीचे जो लिखा है। इसके सेकेंड में क्या करोगे आप, सेवन रूट फाइव इक्वल टू पी बाय क्यू लिखोगे, सेवन को इस तरफ डिवाइड कर देना, रूट फाइव इक्वल टू पी बाय सेवन क्यू लिख देना और फिर से यही स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पे, समझ रहे हो, फिर से यही स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। सिक्स प्लस रूट अंडर टू को भी थर्ड क्वेश्चन पी बाय क्यू लिखना आप, सिक्स रैशनल है दूसरी तरफ भेजना, तो रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस सिक्स हो जाएगा और फिर से यही स्टेटमेंट लिख देना, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर आपके सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन कवर अप हो गए। तो 1.3 एक्सरसाइज इस टाइप से आपका कंप्लीट हो गया। एक वीडियो और लाएंगे हम जिसमें 1.4 कंप्लीट डिस्कशन के साथ, अगर आपका किसी का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, हम उसको भी क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में अगर आपको पसंद आया, समझ आया, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।